सुकेश, so आज के वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे फ्री फायर के लॉर्ड आउट के बारे में। इस अपडेट के बाद गाइस ये जो लॉर्ड आउट का ऑप्शन है ये अब हम लोगों को सीएस के अंदर भी दिखने को मिलता है। और गाइस मैं आपको बोल दूं भाई, इसका जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा है। जैसे कि गाइस यहाँ पे देखो, मेरा जो एचपी है वो अपने आप बढ़ रहा, ना तो यहाँ पे मैंने मेडिकेट यूज़ किया और ना ही कोई सी कैरेक्टर की एबिलिटी, बट फिर भी यहाँ पे जो मेरा एचपी है वो ऑटोमेटिक से इंक्रीज़ हो रहा। तो ये भी गाइस यहाँ पे इनमें से ही किसी एक लॉर्ड आउट का काम है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे देख सकते हो सीएस के अंदर मैंने पूरे 5 ग्लूवल को एक बार में परचेस किया है, जबकि आप लोगों को सिर्फ 3 ग्लूवल परचेस करने का ऑप्शन आ रहा होगा। तो ये भी गाइस इनमें से ही किसी एक हरमखोर मतलब कि किसी एक लॉर्ड आउट्स का काम है। तो अभी गाइस मैं आपको एक एक करके सारे लॉर्ड आउट्स के बारे में बताऊंगा कि किसको यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना और गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो देखने के बाद कि आपको 8 में से कौन सा लॉर्ड आउट सबसे ज़्यादा पसंद आया। ओके, जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को अप्रिशिएट कर देना। फटाफट से करते वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। ओके, तो गाइस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, बोले तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई हम लोग है बैक बेंचर। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आता है बाउंटी टोकन। अब देखो अगर आप लोग इसको लेके खेलोगे तो सिंपल सा हर राउंड पे आपको देखो यहाँ पे यूज़ करने का ऑप्शन आएगा। बट गाइस यहाँ पे अभी इस राउंड में मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे जो बाउंटी टोकन है उसको एक मैच में आप लोग सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप किसी भी राउंड में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैं इसको यूज़ करूँगा सेकेंड राउंड में। अब देखो इसका क्या फ़ायदा है कि जब आप लोग जिस राउंड में आप लोग बाउंटी टोकन को यूज़ करोगे उस राउंड में आप जितना किल करोगे उसके हिसाब से आपको जो है ज़्यादा कॉइन मिलेगा। बोले तो गाइस यहाँ पे करीब एक किल के बदले आपको 500 कॉइन मिलेंगे। नॉर्मली गाइस हम लोगों को 200 कॉइन मिलता है, बट बाउंटी टोकन की वजह से आपको मिलेंगे 500 कॉइन। ओके, यहाँ पे देखो मैंने इस राउंड में 3 किल किया था, ट्रिपल किल, तो यहाँ पे मुझे 1500 कॉइन मिला सिर्फ किल करने के बदले। इसके अलावा देख सकते हो गाइस अगले राउंड में सबको जोड़ के मेरे पास बोले तो पूरे 3500 कॉइन हो चुका है। भाई साहब इतना सारा पैसा, इतने पैसे में तो भाई मैं 10-20 दिन आराम से चिकन बिरयानी खाऊंगा। इसके बाद गैस यहाँ पे नंबर 2 पे आता है सीक्रेट क्लू। अब देखो जब आप लोग इसको लेके खेलोगे तो यहाँ पे गैस देख सकते हो नीचे के साइड पे आपको 4 ऑप्शन दिखने को मिलेगा। ये चारों बोले तो इसी लॉट आउट की वजह से आया है। ओके, अब देखो यहाँ पे गए सबसे पहले है री स्टोर ईपी। अब जब आप लोग इसको 500 कॉइन लगा के परचेस करोगे तो गैस यहाँ पे क्या होगा कि आपके सारे टीममेट्स को आपको भी 200 ईपी तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। बोले तो गैस यहाँ पे जितने भी ये जो 4 ऑप्शन है ये चारों का चारों जो है पूरे स्क्वाड पे काम करेगा। कोई भी एक बंदा परचेस करोगे तो सबको मिलेगा, बोले तो केक कटेगा, सब में बटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब रीस्टोर ईपी को आप परचेस करोगे या फिर आपका कोई टीममेट परचेस करेगा तो चारों को जो है 200 ईपी मिल जाएगा। बोले तो भाई मशरूम खरीदने का जो पैसा है वो बच जाएगा। नॉर्मली अगर हम लोग चारों बंदे खरीदते हैं मशरूम तो हम लोगों का टोटल जोड़ के गैस यहाँ पे होता है 800 कॉइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 500 कॉइन में ही सबको जो है 200 ईपी मिल जा रहा। तो ये हो गया गैस पहला चीज़। दूसरा आपको देखने को मिलेगा क्यूक ईपी कन्वर्सेशन का। अब देखो जब आप लोग इसको 600 कॉइन लगा के परचेस करोगे तो यहाँ पे गैस क्या होगा कि इसके बाद अगर आपका हेल्थ घटता है तो सिंपल सा ईपी को जो है ऑटोमेटिक से ये एचपी में कन्वर्ट करेगा। 5 एचपी पर सेकंड ऐसे ही कुछ ये जो है ऑटोमेटिक से आपका जो ईपी है वो एचपी में कन्वर्ट होगा। बोले तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इससे भी अच्छी बात कि आपके टीममेट्स के साथ भी होगा, उसका भी अगर हेल्थ घटता है तो उसका भी जो ईपी है वो ऑटोमेटिक से एचपी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद गाइस यहाँ पे नंबर 3 पे आता है स्पीड बूस्ट। अब देखो अगर इसको 2000 कॉइन लगा के आप लोग परचेस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही राउंड स्टार्ट होगा आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो एकदम फास्ट हो जाएगा 10 सेकंड के लिए, ठीक है। करीब यहाँ पे 10 सेकंड के लिए आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो 15% फास्ट हो जाएगा। बोले तो जैसे ही राउंड स्टार्ट होता तुरंत आप कहीं पर चढ़ सकते हो या फिर एनिमी के पास तुरंत एकदम पहुँच सकते हो, क्योंकि आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो फास्ट हो जाएगा और आपके साथ साथ आपके टीममेट्स का भी होगा, जो कि से अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे लास्ट में आता है मेडिकेट पीक, यस ऐसे ही कुछ है यहाँ पे। तो अगर आप लोग इसको परचेस करोगे तो क्या होगा कि आपको और आपके सारे टीममेट्स को एक एक मेडिकेट एक्स्ट्रा मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 3 मेडिकेट हो चुका है, ठीक है। तो ये भी गाइस मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि ये जो अपना सीक्रेट क्लू है ये आपको कैसा लगा। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। इसके बाद गाइस यहाँ पे नंबर 3 पे आता है अपना एयर ड्रॉप। अब देखो अगर आप लोग इसको लेके खेलोगे
और इसके बाद फिर जिस भी राउंड के अंदर आप लोग जो है एयर ड्रॉप जो आता है सीएस के अंदर एयर ड्रॉप, उसको अगर आप लोग लूटोगे तो वहाँ से आपको जो है ज़्यादा कॉइन मिलेगा, एक्स्ट्रा कॉइन मिलेगा। देख सकते हो इस वाले राउंड में मैंने एयर ड्रॉप को लूटा है तो मुझे जो है 600 कॉइन एयर ड्रॉप से मिला है, ठीक है। अब इस 600 कॉइन की मदद से अगले राउंड में आप लोग कोई अच्छा सा गन भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसका यही फायदा है। इसके बाद फिर गाइस नंबर 4 पे आता है अपना बोन फायर। इसके बारे में तो आपको पता होगा, बट गाइस यहाँ पे मैं आपको बोल दूँ बोन फायर का क्या काम है कि जब आप लोग इसको यूज करोगे तो सिंपल सा एक सर्कल बनेगा। इस सर्कल के बीच में आप या फिर आपका कोई टीममेट रहेगा तो उसका जो एचपी है वो 25 एचपी पर सेकंड की स्पीड से बढ़ेगा। ऑटोमेटिक से आपका जो एचपी है वो फुल होगा 25 एचपी पर सेकंड, जो कि गाइस काफी बड़ी बात है, मतलब कि आपका जो एचपी है तुरंत फुल हो जाएगा। तो बेसिकली इसको आप लोग तब यूज कर सकते हो जब आप एकदम डैमेज हो और एरेमी आप पे रस कर तुरंत आप लोग इसको यूज कर दोगे तो आपका जो है 3-4 सेकंड के अंदर आपका पूरा एचपी फुल हो जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा गाइस आपका जो ईपी है वो भी बढ़ेगा एंड आपके साथ साथ आपके टीममेट्स का भी बढ़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। अच्छा ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ पे नंबर 5 पे आता है स्कैन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैनर। अब देखो जब आप लोग इसको लेके खेलोगे, इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही जोन जो है अपना श्रिंक होगा, मतलब कि जोन आना स्टार्ट होगा, तो ये जो है आप को एनिमी का लोकेशन बताएगा मिनी मैप में। कुछ इस टाइप से देख सकते हो, स्कैनर का काम तो आपको पता ही है कि वो जो है एनिमी का लोकेशन बताता है कि हाँ यहाँ पे एनिमी है। तो वही काम गाइस ये करेगा जब जोन आना शुरू होगा तब, और 2-3 सेकंड तक ही दिखाता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इसके बाद फिर गाइस यहाँ पे आता है अपना लेग पॉकेट्स। अब देखो इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि यहाँ पे जब आप लोग इसको लेके खेलोगे तो गाइस यहाँ पे क्या है कि आप लोग जो है 5 ग्लूवल को परचेस कर सकते हो हर राउंड में। देख सकते हो आपको यहाँ पे ऑप्शन ही आएगा 5 ग्लूवल परचेस करने का। आपके पास कॉइन है तो आप सिंपल सा एक राउंड में आप लोग जो है 5 ग्लूवल को परचेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको सीएस के अंदर 5 ग्लूवल परचेस करना है तो उसके लिए आपको सिंपल सा लेग पॉकेट्स को लेके खेलना होगा, ठीक है। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो कसम से बता रहा हूँ भाई आप लोगों को पगला कुत्ता काटेगा, इसलिए भाई सब्सक्राइब जरूर से कर देना और हो सके तो भाई वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। वैसे कोई कुत्ता नहीं काटेगा लेकिन यार सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छी बात है, मेरे को भी अच्छा लगेगा। कुछ तरीका है भीख मांगने का। इसके बाद गाइस यहाँ पे नंबर 7 पे आता है अपना सप्लाई क्रेट। अब देखो अगर आप लोग इसको लेके खेलोगे तो इसके बाद क्या होगा कि हर राउंड में आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा आइटम मिल जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट राउंड में आपके पास अपने आप ऑटोमेटिक से कटाना आ जाएगा। इसके अलावा हो सकता है किसी राउंड में आपको जो है ऑटोमेटिक से फ्री में बोले तो मिल जाएगा सुपर मेडिकेट, या फिर कोई चिप होता है जो अपग्रेड करने वाला वो मिल जाएगा, मतलब कि कोई एक आइटम जो है वो आपको हर एक राउंड में इस लोड आउट की वजह से आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सही है। बाकी आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में गाइस जरूर से कि आपको इन 8 में से कौन सा लोड आउट सबसे अच्छा लगा। आई डोंट नो। इसके बाद गाइस यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है अपना आर्मर क्रेट। अब देखो अगर आप लोग इसको लेके खेलोगे तो ये सिंपल सा जो होता है अपना रिपेयर किट उसके तरह ही काम करेगा। बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या है कि जैसे किसी राउंड में आपने फाइट किया, आपका वेस्ट या फिर हेलमेट जो हो गया वो बोले तो डैमेज हो गया, तो इसके बाद अगला राउंड जैसे ही स्टार्ट होगा आपका वेस्ट या फिर हेलमेट जो है ऑटोमेटिक से रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा बोले तो लोड आउट है। इससे क्या हुआ कि आपको रिपेयर किट यूज़ करने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ये जो है ऑटोमेटिक से रिपेयर कर देगा जैसे ही अगला राउंड स्टार्ट होगा तब, ठीक है। तो आई होप कि गाइस यहाँ पे आपको जो है 8 लोड आउट्स के बारे में समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा गाइस अगर आपको ये जानना है कि इन 8 लोड आउट्स का जो है फुल मैप के अंदर रैंक मैच में या फिर क्लासिक मैच में क्या कम है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूंगा। इसके अलावा गाइस आपको किसी सेटिंग वगैरह किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाओ जाके वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। ओके तो आई होप कि गाइस यहाँ पे आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें। सो आज हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।